हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बाय करने वाले वो चार टूल्स जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। और मेरी एक फसल अभी तैयार होने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे हार्वेस्टर लगा रखा है, ताकि तो जब ये फसल कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको यहीं से हार्वेस्टिंग पे लगा दूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मैं गाइस, एक क्रॉप्स भी फाइनल हो चुकी है, तो मैं उनको हार्वेस्टिंग पे लगा देता हूँ। मैं आज जो चार टूल्स ख़रीदने वाला हूँ, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने बहुत सोचा था, मैंने कब से एक ही एक तरह से मैं काम कर रहा हूँ, फिर मैंने फाइनल से आज काम कंप्लीट कर दिया है। तो मैं उन चार टूल्स को ख़रीद लेता हूँ। तो गाइस, मैंने टूल्स तो ख़रीद लिए, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ टूल्स किस जगह पे आए। ये तो पेट्रोल पंप में आए सेकंड, ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो मेरे को अभी बहुत टाइम लग जाएगा इनको लाने में। तो मैं पहले उन टूल्स को ले आता हूँ। तो गाइस, फाइनली हम टूल्स ले आ चुके हैं, फिर इनको लगाते हैं काम पे। और मेरे पास अभी सिर्फ दो ही ट्रैक्टर है, तो मैं टोटल दोनों साइड का काम नहीं देख पाऊँगा। तो अभी मैं को धीरे धीरे इन सबको समझना पड़ेगा, और मैं अभी धीरे धीरे फिर अपना अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो मैं एक से एक नई नई इसमें चीज़ें भी ख़रीद लूँगा। अभी तो सब कुछ सेट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दो ट्रैक्टर से मेरे को पता है पूरा काम नहीं हो पाएगा। ये ड्राइवर जो मैं लगाता हूँ ना, वो भी अधिकतर काम नहीं कर पाते हैं, कोई इधर जाता है तो कोई इधर, तो मेरे को उन सबको देखना पड़ता है। अभी ये फसल तैयार नहीं हुई है, ये भी होने वाली है, इसको भी मैं यहीं सेट कर देता हूँ। इसका सिर्फ थोड़ा सा काम ले चुका है, इसको भी मैं यहीं रख देता हूँ, ताकि तो मेरे को ज़रूरत ना पड़े इधर उधर जाने की। तो मैं इन सबको अपनी अपनी जगह पर रख देता हूँ। मेरे पास भी एक ऑफ़र आया है, उसको अभी मैं काम नहीं हो तो मैं ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँगा। तो पहले मैं ये काम निपटा लेता हूँ, अपने एक और टूल लगा दिया है। इसी के साथ ही मैं वो जो लास्ट वाली जो गाड़ी है उसको भी लगा देता, लेकिन अभी पहले एक काम हुए वरना आगे पीछे हो जाएगा ट्रैक्टर। तो पहले मैं ऊपर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे एक गेहूँ का ट्रॉली दूसरी जगह लेके जाना है, पहले हम वो ऊपर को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ, उस ट्रॉली को पहले वहाँ पे ले चलते हैं। गाइस, मैंने ट्रॉली को वहाँ छोड़ दिया है, तो मुझे $20,000 कुछ इस मामले में मिले हैं। तो मैं पहले इसको भी हार्वेस्टिंग पे लगा देता हूँ, और अब इस मशीन को वहाँ ले चलते हैं ग्रास के पास, जहाँ पे हमने ग्रास बॉक्स उठाने हैं। ये काम तो फिर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रास बॉक्स अलग अलग जगह पर पड़े हुए हैं, और मुझे इन सबको सेट करना पड़ेगा, तभी हम हमारा अमाउंट अच्छी तरीके से कलेक्ट कर पाएंगे। मैं ये पहला ग्रास बॉक्स मैं काउ शेड में डाल दूँगा, फिर सेकंड टाइम जो ग्रास बॉक्स है उसको मैं शिप शेड में डाल दूँगा। पहले इसको डाल देते हैं, इसको भी डाल दिया मैंने, जब तक हम अपना काम कर लेते हैं। और भी Thank you.
तभी मैं एक कल्टीवेटर शायद उधर लगा देता हूँ मैं, अगर वो क्लीन ना हो तो एक और फार्म जो सामने, तो मैं इसको वहाँ पे लगा देता हूँ। अभी मेरे पास कोई और काम नहीं है, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। गाइस जो इसमें ड्राइवर है वो अलग अलग जगह पे चल जाते हैं कभी कभी, तो इनको देखना पड़ता है मेरे को, उन्हें कब किधर से ये क्या कर रहे हैं मेरे को देखना पड़ता है, वरना नुकसान अपना। ये देखो एक और ड्राइवर हार्वेस्टर डबल है, मतलब डबल कटर का है जो एक साथ दो फसल को काटे, ये सिंगल फसल ही काट रहा है, ऐसे अपना बहुत सी बार नुकसान कर देते हैं ये, इसलिए हमें इनको देखना पड़ता है। अभी इसका काम भी थोड़ा सा रह गया बस, इसका तो अभी शुरू ही हुआ है। गाइस अभी सुबह हो चुकी है और मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है हार्वेस्टिंग का, तो इसको मैं अपनी जगह पे लगा देता हूँ। तो पहले मैं ट्रॉली में जितना भी है हार्वेस्टिंग का जो क्रॉप्स है उन सबको मैं उसमें डाल देता हूँ, ताकि तो कभी भी हम फ्री रहें तो मैं ट्रॉली को मेन में ले चलूँगा। मैं पहले देख लेता हूँ मेरे पास कितना स्टोरेज हुआ, शिप का तो नहीं, काउस का 75%, मिल्क है अभी हमारे पास 16%, ग्रास और 1% है अभी, तो इसमें भी काफ़ी स्टेप चलने पड़े हैं तभी हम अपना काम सेट कर पाएंगे। तो ये सेकंड टाइम होएगी, उसके बाद पिज्जा में ये स्टेप करना है। मैं अभी जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबको उठा लेता हूँ, फिर हम इसे शिप शेड में दे के आएंगे, क्योंकि पहले काउ शेड का तो काम कर लिया था हमने आधा। क्या है ना, मिल्क पहले प्रोवाइड हो जाएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो वूल है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो एक लास्ट और रह रहा है, एक लास्ट और था इधर पड़ा हुआ था, तो हम पहले इसको दे देते हैं यहाँ पे। तो गाइस आज हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, एक फसल को अभी क्लीन करना रह गया था और मैंने एक फसल को क्लीन कर दिया है कल्टीवेटर से, और जितना भी ग्रास का जो काम था वो सारा कर दिया है मैंने। तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6, तब तक के लिए बाय।